हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों से कर रहे थे पटना मेट्रो स्टेशन का अपडेट देने के लिए, वो भी 0 माइल मेट्रो स्टेशन का। आज हम लोग 0 माइल के पास आए हुए हैं और यहां से आपको दिखाएंगे 0 माइल मेट्रो स्टेशन का काम कहां तक हुआ है और कब तक चालू हो जाएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 0 माइल मेट्रो स्टेशन का काम। अभी हम लोग पटना के 0 माइल के पास जो ओवर ब्रिज है उसी के ऊपर हैं और आप यहां पर देख सकते हैं पटना मेट्रो का काम इस एरिया में चल रहा है। और यहां पे आप देखेंगे तो पिलर्स के पाइलिंग का भी काम चल रहा है, वहीं आगे गार्टर के लॉन्चिंग का काम चल रहा है। वहीं इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड भी पिलर्स के पाइलिंग का काम चल रहा है। इस साइड से आप न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हैं और वहां पर यार्ड का भी निर्माण हो रहा है। वहीं हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे 0 माइल मेट्रो स्टेशन का काम कहां तक हुआ। देखेंगे तो यहां पर आप पिलर्स टेबल का भी निर्माण हो चुका। वहीं आगे देखेंगे तो गार्डर को पिलर्स पर रखा जा चुका। उसके आगे आप देखेंगे तो गार्डर के लॉन्चिंग का भी काम हो चुका। वहीं इस साइड देखेंगे तो अभी पाइलिंग का काम चल रहा। उसके आगे न्यू ISBT की ओर भी जाएंगे तो उस साइड भी लॉन्चिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका और न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन बनाने का काम चल रहा। लेकिन आज हम लोग 0 माइल मेट्रो स्टेशन का काम देखेंगे। 0 माइल मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर 0 माइल मेट्रो स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। यहां पर अब प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है, मतलब कि 0 माइल मेट्रो स्टेशन है जो अब आकार लेने लगा है। ये देख सकते हैं यहां पर निर्माण कार्य कितना तेजी में चल रहा है 0 माइल मेट्रो स्टेशन का। वहीं जो आप ये वाला रास्ता देख रहे हैं वो रास्ता गांधी सेतु से पटना में जो कनेक्ट होता है, इसी जगह में कनेक्ट होता है। वहीं आप इस रास्ते से उत्तर बिहार की ओर निकल जा सकते हैं। इस मेट्रो स्टेशन से लोगों को बहुत ही ज्यादा आराम होने वाला 0 माइल मेट्रो स्टेशन से, मतलब कि लोग जो उत्तर बिहार से भी आते हैं उन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है 0 माइल मेट्रो स्टेशन से। आप देख सकते हैं 0 माइल मेट्रो स्टेशन का गार्डर के लॉन्चिंग का काम चल रहा है। नीचे वाले तले पर आप देखेंगे तो सभी पिलर्स पर गार्डर के लॉन्चिंग का काम हो चुका है। वहीं ऊपर वाले पर देखेंगे तो अभी गार्डर के लॉन्चिंग का काम चल रहा है। आपको बता दें कि 0 माइल मेट्रो स्टेशन 2 तल्ले वाला होने वाला है। पहले तल्ले पर वेटिंग हॉल, कैफेटेरिया, टिकट काउंटर और यात्री केंद्रित सुविधाएं रहेगी, तो वहीं दूसरे तल्ले पर प्लेटफॉर्म होगा और मेट्रो दौड़ेगी। आप देख सकते हैं यहां पर गार्डर के लॉन्चिंग का कुछ पिलर्स पर काम हो चुका। वहीं कुछ पिलर्स पर अभी गार्डर के लॉन्चिंग का काम चल रहा है। आपको बता दें कि 0 माइल मेट्रो स्टेशन है जो कॉरिडोर 2 का हिस्सा होने वाला है और पटना में अगर सबसे पहले कहीं मेट्रो दौड़ेगी तो वो यही एरिया है जहां सबसे पहले मेट्रो दौड़ेगी। आपको बता दें कि बैरिया बस टर्मिनल से मलाई पकड़ी तक अगले साल तक मेट्रो दौड़ने लगेगी, मतलब कि 2025 तक मेट्रो इस एरिया में दौड़ने लगेगी, जिसकी दूरी की बात करें तो 6.4 किलोमीटर दूरी है न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन से मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन तक। न्यू ISBT 0 माइल भूतनाथ, खेमनीचक और मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर सबसे पहले मेट्रो दौड़ने वाली है। आपको बता दें कि यहां पर स्लैब रखने का 70% काम हो चुका है। वहीं अब इस पर कुछ दिनों के बाद ट्रैक बिछाने का काम चलने वाला है। आप देख सकते हैं 0 माइल मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म बनने का काम चालू हो चुका है और मेट्रो स्टेशन अब आकार लेने लगा है। ये देखिए यहाँ पर निर्माण कार्य कितना तेजी में चल रहा है 0 माइल मेट्रो स्टेशन का। इस मेट्रो स्टेशन से लोगों को बहुत ही ज्यादा आराम होने वाला है क्योंकि इस एरिया में
लोग उत्तर बिहार से आकर इसी जगह पर उतरते हैं और यहाँ से ऑटो बस या टैक्सी के सहारे पटना मेन टाउन में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब जीरो माइल मेट्रो स्टेशन चालू हो जाएगा और इस पर मेट्रो दौड़ने लगेगी तो लोगों को आराम हो जाएगा। बिना जाम में फंसे हुए वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकेंगे। जीरो माइल मेट्रो स्टेशन के एक साइड में जहां न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन होने वाला, तो वहीं दूसरे साइड में भूतनाथ मेट्रो स्टेशन होने वाला है। आप देख सकते हैं यहां पर प्लेटफॉर्म बनाने का काम बहुत ही तेजी में चल रहा है जीरो माइल मेट्रो स्टेशन का। वहीं आप आगे देखेंगे तो एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक तार रहेगा उसके लिए पोल भी लगाया जा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए फिर हम लोग नीचे भी चलेंगे और देखेंगे नीचे से जीरो माइल मेट्रो स्टेशन का काम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना में दो टाइप के मेट्रो का निर्माण हो रहा है, एलिवेटेड मेट्रो और अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण हो रहा है। कॉरिडोर 2 में एलिवेटेड मेट्रो की लंबाई 6.3 किलोमीटर होने वाली है, वहीं अंडरग्राउंड मेट्रो की लंबाई 7.92 किलोमीटर होने वाली है। वहीं इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 14.55 किलोमीटर होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण कार्य कितना तेजी में चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्डिंग का काम ऊपर में चल रहा है। आपको बता दें कि इस एरिया में सबसे पहले मेट्रो दौड़ने वाला है पटना में। जीरो माइल मेट्रो स्टेशन NH30 पटना बख्तियारपुर 4 लेन के एकदम जस्ट बगल में कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसका निर्माण कार्य बहुत ही तेजी में चल रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।